तो भाई आप देख सकते हैं ये जो नहर है कितने उफान पर है, देख सकते हैं कितनी तेजी से जो है भाई, बिल्कुल इसकी चौड़ाई आप नहीं नाप सकते, इसकी जो रफ्तार है वो आप देख सकते हैं भाई कितनी तेज है। हरियाणा में आप आए दिन जो है देखते हैं भाई, हर रोज एक नए केस निकल के सामने आता है, चाहे जींद वाली नहर की बात हो चाहे नरवाना वाली। और कल भी नरवाना में एक जो है गाड़ी नहर में डूबने से एक लड़के की जो है गाड़ी में बताए जा रहे थे, दो, एक ड्राइवर और एक उसके साथ था। तो भाई आप जो है हरियाणा में आए दिन ऐसी घटनाएं देखते रहते हैं। फिलहाल ये नदी भी आपके साथ हम लोग साझा कर रहे हैं ये वीडियो कि भाई आप जब भी नदी में नहाएं तो तैरना आपको ज़रूर आना चाहिए। और आप सभी को पता है कि अलग अलग स्टेटों में जो है भारी वर्षा होने के कारण पूरी नदियां नहरें जो हैं अपनी चरम सीमा पर उफान पर हैं। आप इस समय ये तस्वीरें देख सकते हैं, इस पानी का जो बहाव है कोई भी नॉर्मल बंदा इसमें तैर नहीं सकता, क्योंकि कहाँ तक वो तैरता जाएगा भाई। आप देख सकते हैं तैरने का कोई एक वो होता है लेकिन इसमें पर्टिकुलर कोई भी वो नहीं है, आप कहाँ तक तैर सकते हो कहाँ तक नहीं। और बताया ये भी जा रहा था कि भाई लोग बता रहे थे आसपास वाले लोग, जो कावड़िए आते हैं या कोई और आता है वो जोश जोश में इसके अंदर कूद जाते हैं, और हर रोज़ एक से दो जो कावड़ी इसमें जो भाई डेथ हो जाती है, जो डेड बॉडी है वो मिलती है, वो चाहे पीछे से आती है या फिर यहाँ पर होती है ये पता नहीं होता, लेकिन आए दिन एक जो डेड बॉडी है इसमें दिखती है, जो हमें लोग बता रहे थे भाई। फिलहाल की ये तस्वीरें थी आपके साथ साझा करनी कि भाई आप जो है जब भी नहाएं नहरों में, गंगा में, सिंगू में, कौन सी भी नदी में आप जब नहाएं तो अपना पूरा ध्यान रखें भाई, हर चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ये बात है, कभी भी सावधानी हट सकती है और दुर्घटना जो है घट सकती है। वैसे तो बाढ़ के जो माहौल हैं वो यहाँ पर हो चुके हैं, और पूरे हरियाणा में भी आपने देखा होगा कि बिल्कुल जो नदी नाले बिल्कुल बारिश लगातार हो रही है, और लगातार जो है लोग सर्वाइव कर रहे हैं। इस समय की ये तस्वीरें थी जो आपके साथ साझा करनी ज़रूरी थी भाई, कि भाई ये जो माहौल है गंगा का बना हुआ है, और गंगा से ही जो हमारे गांव शहर में जो रजवाहे, जो नदियां, जो नाले निकलते हैं वो यहीं से ही पानी आता है, और कहीं ना कहीं यहाँ से हादसा होने के बाद जो डेड बॉडी होती है वो इतनी दूर तक चली जाती है, पता भी नहीं चलता कहाँ से आई है, कहाँ है, किसकी डेड बॉडी है। तो आए दिन इसमें एक से दो डेड बॉडी जो बता रहे थे लोग देखने को सामने आती रहती हैं भाई, क्योंकि जनसंख्या इतनी ज़्यादा है और लोग देखने के लिए आते हैं, लेकिन सावधानी जिस समय नहीं बरतते तो वो उस समय ये घटना हो जाती है भाई। इस समय की ये तस्वीरें थी जो आप हमारे चैनल के माध्यम से जो है देख रहे हैं, जितना हो सके इस वीडियो ने शेयर भाई ज़रूर कर दियो, ताकि तो जय हरियाणा।